कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे चिकन कैबेज सूप के ऊपर, यानी कि बंद गोभी और चिकन का सूप, जिसकी वजह से आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है कि एक वीक में 5 to 7 kg आपका वेट लॉस हो जाता है। इस डाइट की बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं। पहली मॉडिफिकेशन तो ये है कि आप पूरे दिन सिर्फ चिकन और कैबेज का सूप लेंगे। इसमें हम सूप ऐसे बनाते हैं कि हम 3 ounces to 4 ounces चिकन लेंगे और उसके बाद आप जितनी मर्ज़ी बंद गोभी डाल दें उसके अंदर, पानी को बॉयल करें और उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दें। मसाले आप अपने हाथ से डाल सकते हैं और आपने कॉर्नफ्लावर इसमें नहीं डालना। आप इसको सूप की कंसिस्टेंसी में ले आएँ, अंडा भी नहीं डालना आपने, बस ये चिकन और कैबेज का सूप होगा। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डालेंगे। उसके बाद आपने पूरे एक वीक या दो वीक तक सुबह दोपहर शाम आपने यही वाला सूप पीना है, 7 days के लिए या फिर 14 days के लिए। इससे ये होगा कि आपका 6 to 7 kg एक वीक में लूज़ हो जाएगा। दूसरी मॉडिफिकेशन ये है कि आपने सिर्फ मीट लेना है एक या दो हफ्ते के लिए। आपने ब्रेकफास्ट और लंच में सिर्फ मीट नहीं सॉरी प्रोटीन आपने ब्रेकफास्ट और लंच में सिर्फ प्रोटीन लेनी है। इसमें आप जैसे ब्रेकफास्ट में 2 उबले हुए अंडे ले सकते हैं या कोई भी ऐसी प्रोटीन की चीज़ ले सकते हैं। लंच में भी आपने चिकन टिक्का ले लिया, शामी कबाब ले लिया, शामी कबाब जिसमें सिर्फ मीट हो, दाल वाला नहीं, आपने चपली कबाब ले लिया, ऐसी से प्रोटीन वाली चीज़ लेंगे और रात में आप चिकन कैबेज सूप पियेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो वेट है वो 5 to 7 kg पर वीक लूज़ हो जाएगा। जो थर्ड फॉर्म आती है इसकी, उसमें ये है कि हम लेंगे 2 days per week हम लेंगे चिकन और कैबेज सूप पूरा दिन। जैसे हमने फर्स्ट डाइट में लिया था कि हम चिकन एंड कैबेज सूप ले रहे थे होल थ्रू आउट द वीक, हम इसमें सिर्फ 2 दिन लेंगे और बाकी पूरा वीक जो है वो आप अपनी डाइट जो है वो फॉलो करेंगे जैसे हम नॉर्मल डाइट करते हैं, और 2 दिन आप चिकन एंड कैबेज सूप लेंगे। इससे यह है कि आपका 3 to 4 kg जो है वो पर वीक लूज़ हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करें कि इस जो डाइट है इसकी क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं या क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो देखें, जब आप डाइट करेंगे आपका वेट 110% लूज़ होगा। आप कोई भी क्रैश डाइट करेंगे, आप कीटो करेंगे, आप कोई भी कुकम्बर डाइट करेंगे, बनाना डाइट करेंगे, कोई भी डाइट करेंगे, उससे आपका वेट लॉस होगा। लेकिन हम हेल्दी वे में वेट लॉस कर रहे हैं या हम अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ला के वेट लॉस करें, इसमें फ़र्क है। ये जो चिकन एंड कैबेज सूप है इससे आपका वेट लॉस होगा, क्योंकि इस चिकन एंड कैबेज सूप के एक बाउल में, या आप सोच लें कि अगर आप पूरा पतीला भी पी लेंगे तो आपके अंदर 200 से 300 कैलोरीज से ज़्यादा नहीं जाएगा, बिकॉज कैबेज के अंदर बहुत ही कम कैलोरीज होती है। और आपको जो भी कैलोरीज मिल रही हैं वो आपको मिल रही हैं चिकन से, जो कि प्रोटीन है, ठीक है। और उससे भी आपको दिन में अगर आप 3 दफ़ा पी रहे हैं तो आपको दिन पूरे दिन में 500, 600 या 700 से ज़्यादा कैलोरीज नहीं मिलेंगी। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी स्टारवेशन की तरफ जाना शुरू कर देगी, आपकी बॉडी का मसल जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाएगा आपको, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप लाइक दिन में 3 या 4 दफ़ा पी रहे हैं सूप, तो उससे ये तो होगा कि आपका पेट भरा रहेगा लेकिन आपको उतनी कैलोरीज नहीं मिल रही हैं, क्योंकि आप वो बेसिक बैलेंस डाइट नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से अगर मैं कहती हूँ कि ये अगर आपने डाइट करनी है, अगर आपको कोई मजबूरी है, अगर आपका वेट लॉस नहीं होता, आपका वेट स्टक हो गया हुआ है, दिस इज़ ओके, आप 1 हफ्ते तक करें, 2 हफ्ते तक करें। लेकिन मैंने देखा है कि लोग 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना कुछ नहीं खाते, सिर्फ इस डाइट को फॉलो करते हैं, या फिर जो इसकी सेकंड मॉडिफिकेशन है जिसमें हम सुबह के टाइम प्रोटीन ले लेते हैं और रात को ये सूप पी लेते हैं, तो वो ये कर रहे होते हैं और उसकी वजह से उनको हेयर फॉल हो रहा होता है, उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उनके साइकिल के अंदर, ख़ासतौर पर लड़कियों में। तो आई नो हर बंदे को अच्छा दिखना पसंद है, बट आप प्लीज़ ऐसी डाइट जो है उसको देख के, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करके ये डाइट करें, क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। हर बंदा ये डाइट फॉलो कर रहा है, क्योंकि आपको, हम जो पढ़े लिखे आवाम है ना, उसको भी इतना कंसर्न नहीं है कि वो अपनी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। उसको सिर्फ ये है कि ठीक है हम पतले हो रहे हैं, लेकिन किस वे में हो रहे हैं, आप अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं, ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बंदा गूगल कर लेता है चिकन एंड कैबेज डाइट है, अच्छा ठीक है ये 5 to 6 या 7 kg आपका एक वीक में लॉस कर देती है, चलो ये करते हैं। उसकी वजह से आपकी बॉडी पर क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं आपको कुछ नहीं पता। 2 weeks तक ये डाइट करना इज़ ओके, लेकिन अगर आप 2 weeks से ज़्यादा देखें कोई भी डाइट,
आप अपनी बॉडी लाइफ में सस्टेन नहीं कर सकते हैं, आप अपनी पूरी लाइफ एक डाइट को लेके नहीं चल सकते हैं। अगर आप करेंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 3 महीने कर लेंगे, 4 महीने कर लेंगे, 5 महीने कर लेंगे, आपका आइडियल वेट आ गया। आपने कहा जी मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, मैंने अपना आइडियल वेट पे आना था, अब मैं आ गई हूँ। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी नॉर्मल डाइट पे चले जाएंगे। जिस दिन आप अपनी नॉर्मल डाइट पे गए, आपका वेट बाउंस बैक करेगा, और इतना गंदा वेट बाउंस बैक करता है आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि बोलते हैं कि हमने ये वाली डाइट की थी, हमने कीटो की थी, हमने गूगल से देखा था कि ये वाली डाइट बहुत ज़्यादा वेट लॉस करवा रही थी, तो हमने इस डाइट को कर लिया, और उसके बाद उनका वेट स्टक हो जाता है। उनका वेट बहुत 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 मुश्किल से, अगर मुश्किल से अगर वो कम भी होता है तो एक भी में 1 किलो या आधा किलो से ज़्यादा नहीं जाता उनका। और फिर उनके अंदर बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस, हाइपरटेंशन, लो बीपी की कॉम्प्लिकेशंस, और सबसे ज़्यादा तो हेयर फॉल की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो इसके लिए आई थॉट कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि हर बंदा इस डाइट को फॉलो कर रहा है, और बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में ये डाइट है। तो प्लीज़ आप अपनी बॉडी के साथ ज़्यादती ना करें। आप प्लीज़ ये वाली डाइट अगर आपने करनी है, मैं तीसरी दफ़ा ये बात कह रही हूँ, करनी है तो 2 वीक आप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है कि ठीक है किसी की शादी आ रही है, कुछ है, तो यार मैं डाइट करके पतली हो जाऊँ, ठीक है, हर बंदे को अच्छा लगना पसंद है, लेकिन 2 हफ्ते से ज़्यादा आप इस डाइट को कंटिन्यू ना करें। 2 हफ्ते के बाद आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती हैं, और फिर वो डेफिशिएंसीज को ओवरकम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले ही वो डाइट करें जिसकी वजह से आपका वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम हो और दोबारा ना आए, क्योंकि जब आप ये डाइट करेंगे आपका वेट बाउंस बैक करेगा, और बहुत गंदा बाउंस बैक करेगा। तो प्लीज़ आप इस डाइट को इतना ज़्यादा ट्रेंड में ना लेके आएँ। आप हर किसी की बात ना सुने, अपने डॉक्टर से, किसी अच्छे डाइटिशन से कंसल्ट कर लें, और फिर उसके बाद इस डाइट को फॉलो करें। तो अब मैं चलती हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो, और आपको अगर ये मेरा मैसेज पसंद आया है तो प्लीज़ आगे इसको शेयर करें, और प्लीज़ अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।